नमस्कार, आप नेशन भारत के बिहार बुलेटिन के साथ में राकेश। कोरोना वायरस पर भी बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी ने सरकार पर कोरोना वायरस को लेकर सरकार पर कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में आज सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में भ्रष्टाचार का वायरस लगा है, चुनाव आते ही यह वायरस सक्रिय हो जाता है। कोरोना को लेकर सूबे का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। तो राजनीति का बदलता दौर है, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, और इनको अगर समझ में भी आता है तो इनको संपत्ति वायरस, परिवारवाद वायरस, अपराधी भ्रष्टाचारी के परिजन को कैसे टिकट दो, इसका वायरस, राज्यसभा विधान परिषद का जो चुनाव है उसमें कुछ आर्थिक चकाचक होने वाला है कि नहीं, ये सब वायरस के सब विसर्ग है। ये पूरी दुनिया के अंदर एक चुनौती है और मानव विकास सूचकांक बिहार के अंदर में राज्य सरकार जो भी बेहतरी के लिए कर सकती है अपने संसाधन से, अपने स्वास्थ्य विभाग के जो महकमे हैं इन सवालों पर विचार करता है। इसलिए हम इनको सलाह देंगे कि अभी आप संपत्ति दान के वायरस में बेचैन रहिए। अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, अभी तो अति पिछड़ा को आर्थिक जालसाजी में फंसा रहे हैं, चिंता मुक्त रहिए। बिहार की जनता आपके हर वायरस का इलाज एंटीबायोटिक दवा के माध्यम से विधानसभा चुनाव में करने वाली। दारोगा बहाली में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के विधान पार्षदों ने विधान परिषद के सामने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार दारोगा सहित तमाम सरकारी बहालियों में धांधली करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश बहालियों में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ही क्यों ज्यादा लोग सफल होते हैं। दारोगा कितने पद पर बहाल करने जा रहे हैं और निरीक्षक करने जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी परीक्षा हुई है पिछले साल दिसंबर महीने, उसका क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया। वो परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी पढ़ लिख के आए उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी, वो फिर से इम्तहान चाहते हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार सरकार इस मामले में दरोगा अभ्यर्थियों की बात क्यों नहीं सुन रही? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये राज्य के हजारों नौजवान जो दरोगा बनना चाहते थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इससे पहले भी पुलिस की बहाली में कई गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो भी बहालियाँ होती हैं वो लगता है पहले से प्रायोजित रहता है, इसकी जांच होने से ही मामला स्पष्ट होगा। और ज़्यादातर बहाली नालंदा मॉडल के ही लोग क्यों आते हैं, ज़्यादातर उसी इलाके के लोग क्यों आते हैं? मोतिहारी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत। एक तरफ मोतिहारी के शाहीनबाग में लोग तकरीबन 45 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर अब सीएए के समर्थन में लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि वे सीएए का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार के इस पहल का स्वागत भी करते हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शाहीनबाग के लोग मोतिहारी में बैठे हैं तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। सिवान जिले के हकाम हाईवे पर एक बुलेरो ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे बुलेरो के चालक ने अनियंत्रित होकर बाइक में धक्का मार दिया। बता दें कि घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये तीनों छात्र हुसैनगंज से आ रहे थे। दीपक कुमार और संदीप कुमार ये दोनों सगे भाई हैं। पिता सुनील प्रसाद, मोहम्मद इमरान पिता, बीजू मियाँ, ये तीन छात्र भाई बाइक पर सवार होकर सीबीएसई की पेपर देने के लिए जा रहे थे। बुलेरो टक्कर मारकर भाग निकला। तीनों छात्र को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया और मौके पर समाज सेवी श्रीनिवास यादव पहुंचकर इलाज करवाए। और नेशन भारत के बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।